हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमेजिंग ट्रिक लेकर के आया हूँ जिससे आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू आप आसान से निकाल सकते हैं। आप अपने हैंड को देखिएगा और आपको सारा का सारा वैल्यू आपके पास होंगे। बस आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप अपने लेफ्ट हैंड को देखिए, ठीक है। लेडीज फिंगर से स्टार्ट करना है आपको। लेडीज फिंगर 0 डिग्री मान लीजिए, उसके बगल में 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद थंब हो जाएगा आपके 90 डिग्री। समझ गए? अब देखिए, साइन थीटा का वैल्यू लेना है क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में क्या लेना आपको? साइन थीटा। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेना आपको? कॉस थीटा। समझ गए? आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा, कॉस थीटा लेना है आपको एंटी क्लॉकवाइज में और साइन थीटा लेना है आपको क्लॉकवाइज में। और एक वैल्यू को आपको याद रखना है, सिर्फ रूट एक्स बाई टू। आपको हर जगह उसी वैल्यू को यूज़ करना है, रूट एक्स बाई टू। अब यहाँ पे एक्स क्या है? तो एक्स आपका नंबर ऑफ फिंगर्स जितने होंगे वो है, ठीक है। तो चलिए आखिर फाइंड कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले साइन जीरो का वैल्यू निकालिए। देखिए, साइन जीरो का वैल्यू आप निकालिएगा तो क्लॉकवाइज में आपके कितने फिंगर हैं? एक भी नहीं, यानी कि रूट एक्स के जगह पे आपका क्या हो जाएंगे? जीरो। तो जीरो बाई टू, यानी कि रूट जीरो बाई टू, इट मीन्स जीरो, ठीक है। अब उसी तरह आप कॉस जीरो का वैल्यू निकाल दीजिए तो एंटी क्लॉकवाइज में देखिए कितने फिंगर आपके पास हैं? 1 2 3 4, यानी कि 4 फिंगर, इट मीन्स रूट 4 बाई 2। रूट 4 का वैल्यू होते हैं 2, 2 बाई 2 कैंसिल आउट होके 1, यानी कि आपका कॉस जीरो का वैल्यू कितने निकलेंगे? 1। चलिए इसी तरह साइन 30 का वैल्यू निकालते हैं। देखिए, साइन 30 का वैल्यू एंड क्लॉक वाइज में आप देखिए कितने फिंगर हैं? 1 फिंगर, इट मीन्स रूट 1 बाई 2। रूट 1 का वैल्यू 1 बाई 2, यानी कि साइन 30 का वैल्यू कितने आ जाएंगे? 1 बाई 2। तो कॉस 30 का निकाल लेते हैं। चलिए एंटी क्लॉक वाइज में देखिए कितने फिंगर आपके पास? 1 2 3 3, इट मीन्स रूट 3 बाई 2। तो रूट 3 का वैल्यू रूट 3 रहने देते हैं, रूट 3 बाई 2, ये आपका होते हैं कॉस आपका 30 का वैल्यू। उसके बाद साइन 45 निकालते हैं। तो साइन 45 देखिए आपका क्लॉकवाइज में कितने फिंगर हैं? 2, इट मीन्स रूट 2 बाई 2, ठीक है। आप 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 रूट 2 कैंसिल आउट, इट मीन्स 1 बाई रूट 2, ये आपका हो जाएंगे साइन 45 का वैल्यू। उसी तरह कॉस 45 का वैल्यू निकल जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में 2 फिंगर, उसी तरह रूट 2 बाई 2, 2 को आप लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेंगे? 1 बाई रूट 2। तो कॉस 45 का भी वैल्यू कितने होते हैं? 1 बाई रूट 2। तो चलिए साइन 60 का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए क्लॉकवाइज में उसी तरह आपके पास 3 फिंगर है, इट मीन्स रूट 3 बाई 2, आपके पास साइन 60 का वैल्यू हो जाएंगे रूट 3 बाई 2। उसी तरह आप कॉस 60 का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए आपका एंटी क्लॉकवाइज में 1 फिंगर है, इट मीन्स रूट 1 बाई 2, रूट 1 का वैल्यू 1 बाई 2, यानी कि आपका कॉस 60 का वैल्यू हो जाएंगे 1 बाई 2, ठीक है। चलिए लास्ट वैल्यू निकाल लेते हैं साइन 90। तो देखिए आप साइन 90 लीजिएगा क्लॉकवाइज में कितने फिंगर आ जाएंगे? 1 2 3 4, 4 फिंगर, रूट 4 बाई 2, रूट 4 का वैल्यू आएंगे आपके पास 2, 2 बाई 2 यानी कि 1, यानी कि आपका साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। कॉस 90 का वैल्यू निकाल दीजिए, देखिए एंटी क्लॉकवाइज में कितने फिंगर हैं? एक भी नहीं, रूट 0 बाई 2, इट मीन्स 0। तो ये था दोस्तों बहुत ही आसान तरीका जिससे आप अपने हैंड से ही आप सारे का सारे साइन और कॉस का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब टैन का वैल्यू को देख लेते हैं। देखिए टैन का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे? टैन का फॉर्मूला क्या होता है? टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपको टैन का वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल टैन 30 का वैल्यू चाहिए, तो टैन 30 इज इक्वल टू साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30। तो साइन 30 का वैल्यू आप कितना निकालें, आप फाइंड अभी जस्ट किए हैं 1 बाई 2, और कॉस 30 का वैल्यू कितने होते हैं? रूट 3 बाई 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा टैन 30 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3, जैसे कि आपने फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी का भी टैन का एंगल निकालना हो तो आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टैन 45 डिग्री, टैन 60 डिग्री, टैन 90 डिग्री, इसी तरह आपको सारे का सारा वैल्यू आपको फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के लिए,
क्योंकि इसमें आपको किसी भी पेपर वर्क का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने हैंड देखिएगा और आपका वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा सब आप आराम से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड तक ज़रूर ये वीडियो को पहुँचाएँ। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।